हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बारे में बताया था कि इनका जो विवाह था वो किशनगढ़ के शासक जो रूप सिंह थे उनकी पुत्री चारुमती के साथ में होता है। तो और आगे क्या क्या निर्माण कार्य करवाए जाते हैं महाराणा राज सिंह के द्वारा, तो उनकी चर्चा अपन आज की इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। तो आज अपने जो शासक है वह कौन है? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। तो स्थापत्य कला में इन राज सिंह के द्वारा क्या क्या करवाया गया था? तो महाराणा कुंभा के बाद स्थापत्य कला का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के समय हुआ था। क्या बताया मैंने आपको? मेवाड़ के महाराणा कुंभा के पश्चात स्थापत्य कला का अगर सर्वाधिक विकास राजस्थान के इतिहास में किसी शासक के शासनकाल में हुआ था तो वो कौन थे? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। तो इन राज सिंह के द्वारा इनके द्वारा अंबा माता का मंदिर, अंबा माता का मंदिर उदयपुर उदयपुर उसके अलावा द्वारिकाधीश द्वारकाधीश का मंदिर राजसंबंध क्या बताया मैंने आपको? अंबा माता का मंदिर उदयपुर, द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद, उसके अलावा सप्तध्वजा के स्वामी यानी श्री नाथ जी, जिसको क्या बोलते हैं? सप्तध्वजा स्वामी यानि श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसंबंध में बनवाया
मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, इनके द्वारा अंबा माता का मंदिर कहाँ पे, उदयपुर में, द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ पे, कांकरोली राजसमंद में, उसके अलावा ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है जिसको अपन सप्त ध्वजा के स्वामी भी कहते हैं, इस मंदिर का निर्माण कहाँ पे करवाया, नाथ द्वारा में करवाया था। उसके अलावा अगर चित्रकला की दृष्टि से देखें तो नाथ द्वारा, चित्रकला की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कहां पे पड़ता है, राजसमंद में, नाथ द्वारा राजसमंद शैली का स्वर्ण काल इन्हीं का शासन काल कहलाता है। यानी जो नाथ द्वारा शैली है, नाथ द्वारा शैली राजसमंद जिले में, जब अपन चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय भी इस बात का जिक्र किया जाएगा कि ये जो नाथ द्वारा शैली है जो राजसमंद जिले की है, इस शैली का स्वर्ण काल किस शासक का शासनकाल कहलाता है। तो आपका आंसर आना चाहिए महाराणा राज सिंह का शासनकाल। और आगे बात करें तो इन राज सिंह के द्वारा महाराणा राज सिंह द्वारा अकाल राहत कार्य हेतु राजसंबंध झील का निर्माण करवाया गया। क्या किया गया, इनके द्वारा अकाल राहत कार्यों हेतु राजसमंद झील का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। इनके द्वारा और क्या करवाया गया, इनके द्वारा राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा क्या करवाया गया, राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया था। जिसके जो लेखक थे वो कौन थे, रणछोड़ भट्ट थे। कौन थे, इनके द्वारा राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट थे। तो इनके द्वारा राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट थे। और आगे बात करें तो इनकी रानी रामरस दे द्वारा त्रिमुखी
बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इनकी जो रानी थी रामरस दे, इसके द्वारा कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया गया, तो त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। और इनकी एक उपाधि भी आती है, इनके अगर उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि विजय कटु कातु या कोष्टक में अपन बात करें हाइड्रोलिक रूलर है। तो मैंने आपको इनकी उपाधि के बारे में भी बता दिया है, तो एक बार फिर अपन मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बारे में चर्चा करते हैं। इसके पश्चात अगले अपन मेवाड़ के शासक पढ़ेंगे जिनका नाम है जय सिंह। तो महाराणा राज सिंह महाराणा कुंभा के पश्चात अगर स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसी राजा के शासनकाल में हुआ तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा अंबा माता का मंदिर उदयपुर, उसके अलावा द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली, राजसमंद और श्रीनाथ जी का मंदिर जो सप्तध्वजा के स्वामी हैं, अर्थात श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण नाथ द्वारा राजसमंद में करवाया गया था। आगे मैंने आपको बताया कि नाथ द्वारा शैली जो अपन चित्रकला में पढ़ेंगे उस शैली का स्वर्णकाल भी इसका शासनकाल कहलाता है, तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया कि महाराणा राज सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों हेतु राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था और इनके द्वारा राज प्रशस्ति का निर्माण भी करवाया गया था, जिसके लेखक कौन थे, रणछोड़ भट्ट थे। फिर आगे मैंने आपको बताया इनकी जो रानी थी रामरस दे, इसके द्वारा त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया और इनकी एक उपाधि भी आती है और उपाधि का नाम है हाइड्रोलिक रूलर, अर्थात इन्होंने विजय कटुकातु की उपाधि भी धारण की थी। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले जो मेवाड़ के शासक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। और अगले जो मेवाड़ के शासक है उनका नाम क्या है, जय सिंह। जो शासक कहाँ के, मेवाड़ के, तो ये थे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। तो राज सिंह और जो ये थे मुगल वंश के शासक औरंगजेब, तो इन दोनों के मध्य में अनबन चलती रहती है, क्योंकि महाराणा राज सिंह स्थापत्य कला को संरक्षण देते थे जबकि ये औरंगजेब क्या करता था, विनाश करता था। और मैं आपको एक बात बताऊं, तो आपने कभी जीण माता का नाम सुना हो तो जो जीण माता का मंदिर है रेवासा धाम सीकर में पड़ता है, तो ये औरंगजेब था उस जीण माता के मंदिर को भी नष्ट करने के लिए गया था, लेकिन जीण माता के पराक्रम से या उनके प्रभाव से, और उनको मधुमक्खी की देवी के रूप में भी जाना जाता है जीण माता को, तो औरंगजेब के द्वारा जब वहाँ पे आक्रमण किया गया तो वहाँ की मधुमक्खियों के द्वारा औरंगजेब की सेना के ऊपर अटैक किया गया और औरंगजेब के द्वारा वहाँ पे एक शिलालेख भी लिखवाया गया था। पर मैं अब कहने का मतलब ये जो मंदिर है इसको नष्ट नहीं करूँगा, और औरंगजेब के द्वारा वहाँ पे सोने का छत्र भी उन जीण माता को चढ़ाया गया था। तो ये वाली बात थी। तो अब अपन आगे की बात करते हैं, और आगे अगले जो मेवाड़ के शासक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है जय सिंह। अगले जो मेवाड़ के शासक हैं उनका नाम है महाराणा जय सिंह।
तो इन जयसिंह के समय की एक ही बात आपको याद रखनी है, इनके द्वारा जयसंबंद झील का निर्माण करवाया गया था। कौन सी झील का निर्माण करवाया गया? महाराणा जयसिंह के द्वारा। तो महाराणा जयसिंह के द्वारा इस जयसंबंद झील का निर्माण करवाया गया था। तो ये जो जयसंबंद झील है, इसके बारे में एक प्रश्न ये भी पूछा गया है, क्या इसका सबसे बड़ा टापू, इसमें क्या है, दो टापू है। कितने टापू हैं? दो टापू है। अगर सबसे बड़े टापू की बात करें, सबसे बड़ा टापू और बात करें सबसे छोटा टापू, तो सबसे बड़े अगर टापू के नाम की बात करें तो सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा या भांगरा, एक लिख सकते हैं अपन, बाबा का भांगरा। बहुत सी किताबों में अपन को ये बाबा का भांगड़ा भी देखने को मिलता है। तो सबसे बड़े टापू का नाम बताया मैंने आपको बाबा का भांगरा, और सबसे छोटे टापू का अगर नाम की बात करें तो उसका नाम है प्यारी। क्या नाम है? प्यारी। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे बड़े जयसंबंद झील का जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम क्या है, उसका नाम था उसमें बाबा का भांगरा। तो ये थे मेवाड़ के महाराणा जयसिंह। इसके पश्चात अब अपन मेवाड़ के जो अगले शासक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उनका नाम है क्या, अमर सिंह द्वितीय। ये वो अमर सिंह फर्स्ट नहीं है जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, ये कौन है, अमर सिंह सेकंड। तो इस अमर सिंह सेकंड की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो महाराणा जयसिंह, इनके द्वारा जयसंबंद झील का निर्माण करवाया गया, दो टापू है जयसंबंद झील में, सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगरा और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है, प्यारी। तो आज अपन अपनी इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।